ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में जारी अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सुदेशा क्लब दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच खेला गया और इस रोमांचकपूर्ण मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में जारी अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सुदेशा क्लब दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच खेला गया और इस रोमांचपूर्ण मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। सुदेशा क्लब दिल्ली की टीम ने पंजाब पुलिस की टीम को इस कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीमों को चमचमाती ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में एडीएम मंडी श्रवण मांडा ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जिला में फुटबॉल खेल को बढ़ावा मिलेगा और एकेडमी के माध्यम से नए युवा खिलाड़ी उभरकर सामने आएंगे जो देश और प्रदेश के लिए खेलेंगे। आगे बढ़े समय में यहां के खिलाड़ी को फॉलो करते हुए जो देश के लिए खेलेंगे और वो भी एक जो नेशनल लेवल की खिलाड़ी है उन्होंने अकेडमी यहाँ बच्चों के लिए शुरू की है। स्पोर्ट्स में जो है हम सभी को शौक रहता है और हम सभी खेलते हैं तो अगर बचपन से ही हमें प्रोफेशनल हमें जो है गाइडेंस मिले वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे आने वाले समय में किस तरह हमें स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं काफ़ी फर्क डालती है। तो मंडी वासियों का ये भी सौभाग्य है कि आने वाले समय में एक अकेडमी भी यहाँ आपके पास होगी जिसमें आप अपने बच्चे भेज सकते हैं और आने वाले टाइम में प्रोफेशनली वो अच्छे स्पोर्ट्स में जो है यहाँ के लिए हो सकते हैं। तो विषम परिस्थितियों में जैसे इस बात पहले भी कह चुके हैं कि पहले इलेक्शन को कंडक्ट की वजह से फिर पुलिस की रिक्रूटमेंट जैसे लॉन्ग में हुई काफ़ी सारी औरतों बरसात आने वाली थी काफ़ी सारी परिस्थितियाँ विषम थी परंतु फिर भी इस कमेटी ने बिना रुके 45 सालों से एक अच्छा आयोजन किया है। इसके लिए हम सभी लोग जो है धन्यवाद इस कमेटी के हैं और जो कमेटी की बधाई की पात्र हैं और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी टूर्नामेंट इसी तरह जो है सालों में साल चलता रहे और अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हमें देखने का यहाँ पे मौका मिले और मंडी से भी अच्छी प्रतिभाएं आगे निकल के जो है इस देश के लिए खेले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। वही प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए एएम तिवारी ने बताया कि फाइनल मुकाबले में सुदेशा क्लब दिल्ली ने पंजाब पुलिस को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट में देश के नाम फुटबॉल क्लबों के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सुदेशा क्लब ने पंजाब पुलिस को 1-0 से हरा कर प्रतियोगिता अपने नाम की। एडीएमडी श्रवण मांडा ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी से सम्मानित किया। मैच हुआ वो सुदेशा क्लब और पंजाब पुलिस के बीच में हुआ। मैच बहुत संघर्षपूर्ण हुआ, दोनों टीमें बड़े जोर शोर से खेली पर अंत में सुदेशा क्लब ने 1-0 की लीड लेकर सेकंड हाफ में इस मैच में विजय हुई। हम सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सारे उनको उनका धन्यवाद करते हैं और इस टूर्नामेंट में जो मंडी के लोगों ने सहयोग दिया और जो बाकी सब ने सहयोग दिया उनका भी हम बड़े आभारी हैं।